इसराइल को बड़ा झटका लगा है। नेतन्याहू का गुरूर टूट गया है, क्योंकि इसराइल जिसे हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ सबसे बड़ी दीवार कहता है, उसको नसरल्ला के लड़ाकों ने एक झटके में खत्म कर दिया। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने इसराइल के आयरन डोम को एक झटके में फोड़ दिया है। नसरल्ला के लड़ाकों ने इसराइल के आयरन डोम के दो सिस्टम तबाह कर दिए हैं। एक आयरन डोम की कीमत $100 मिलियन है। हिंदुस्तान की करेंसी में बात करें तो करीब 800 करोड़। मतलब हिजबुल्ला ने एक झटके में इसराइल के 1600 करोड़ रुपए तबाह कर दिए। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने उत्तरी इसराइल के कब्री में उसकी बमबारी ने बड़ी तबाही मचाई। यहीं पर आयरन डोम सिस्टम तैनात था। ये बात पश्चिमी मीडिया भी बता रहा है और इसकी चर्चा अमेरिका में भी हो रही है, लेकिन इसराइल ने इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। हमास के रॉकेट को रोकने वाला आयरन डोम इस वक्त संकट में है। हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी देने वाले नेतन्याहू ने आयरन डोम पर हुए हमले पर अब तक कुछ नहीं बोला है। हालांकि ये तो तय है कि इस हमले ने इसराइल की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि यही वो सुरक्षा कवच है जिसके बलबूते इसराइल अपने लोगों की हिफाजत करता है। उसकी सीमा में आने वाले रॉकेट और मिसाइल को इसराइल अपने इसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मार गिराता है। 7 अक्टूबर को भी जब हमास ने करीब 5000 रॉकेट से हमला किया तो आयरन डोम ने बड़ी तादाद में रॉकेट मार गिराए थे। हिजबुल्ला जानता है कि रॉकेट इसराइल पर बेअसर साबित होते हैं, इसलिए अब उसने एंटी टैंक मिसाइलों का सहारा लिया है। वो तोप से भी गोलाबारी कर रहा है। हिजबुल्ला लगातार इसराइल के लिए सरदर्द बना हुआ है। पहले भी इसने एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से इसराइल के मरकावा टैंक को निशाना बनाया और अब उसके निशाने पर आयरन डोम सिस्टम आ गया है। इससे पहले जब जब फिलिस्तीनी संगठन हमास ने रॉकेट से हमला किया है, आयरन डोम का सक्सेस रेट 95% से ऊपर रहा है। यानी हर 100 रॉकेट हमलों के बाद जब आयरन डोम की मिसाइल फायर की गई तो उसने 90 से ज्यादा रॉकेट को आसमान में ही रोक दिया। इसी वजह से इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर दुनिया में मांग बढ़ने लगी। ये जेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में भी आ गया। आयरन डोम 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर दूर से हो रहे हमलों को रोक सकता है। ये मिसाइल को भी रोक सकता है। ये रॉकेट के हमले भी रोक सकता है और तोप के गोलों को भी रोक सकता है। इसराइल की ये हालत देखकर कह सकते हैं कि इन हमलों को रोकने के लिए आयरन डोम फेल साबित हुआ है और इस्तेमाल करने पर बहुत महंगा भी साबित होता है, क्योंकि 1 लाख रुपए की कीमत वाले रॉकेट या तोप के गोले को रोकने के लिए इससे 2 मिसाइल फायर की जाती है जिनकी कीमत रेंज के हिसाब से 70 लाख से 1 करोड़ रुपए हो सकती है। यानी एक रॉकेट जिसकी कीमत 1 लाख रुपए भी नहीं, उसको रोकने के लिए इस हथियार की इतनी बड़ी कीमत हैरान करती है। अब खुद आयरन डोम पर हमले ने बता दिया है कि नेतन्याहू का कोई डिफेंस सिस्टम पुख्ता नहीं है। दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले आयरन डोम पर अटैक की खबर ने इसराइल को 440 वोल्ट का करंट लगा दिया है। ये नेतन्याहू के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, लेकिन सवाल है कि अब नेतन्याहू इन हमलों का जवाब कैसे देंगे। हिजबुल्ला के धमाके के बाद दो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। गाजा और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध ने पूरे पश्चिम एशिया को तीसरे विश्व युद्ध के एपिसेंटर में तब्दील कर दिया है और इसकी वजह से दो ताकतें सबसे ज्यादा फिक्र में डूबी हुई हैं। पहले हैं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। दोनों की टेंशन का मीटर लगातार रेड लाइन को पार करता जा रहा है। इस तस्वीर को लेकर खौफ बहुत ज्यादा है। हमास से 2.5 महीने से जारी जंग और हिजबुल्ला के बढ़ते हमलों के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इसराइल पहुंच गए। यहां उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि इस जंग में अमेरिका इसराइल के साथ है। हालांकि उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा कि अगर हिजबुल्ला की तरफ से हमले तेज हुए
तब भी वो इजराइल का साथ देंगे। Palestinian civilians in Gaza is both a moral duty and a strategic imperative. So we will continue to stand up for Israel's bedrock right to defend itself. And we will also continue to urge the protection of civilians during conflict and to increase the flow of humanitarian aid into Gaza. एक तरफ हमास गाजा पट्टी में इजरायली सेना को कड़ी टक्कर दे रहा है, दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला लगातार फायरिंग कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि इजरायल के लिए अगला खतरा कौन सा आने वाला है। ये बात नेतन्याहू अच्छी तरह से जानते हैं कि इस जंग में अमेरिका से भले ही उसको मदद मिल जाए, लेकिन युद्ध तो उसे खुद लड़ना होगा, मोर्चे पर उसके ही सैनिकों को तैनात होना होगा। इसलिए हिजबुल्ला की तरफ से हमले तेज होने के बाद नेतन्याहू ने अपना वॉर ट्रायंगल तैयार कर लिया है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्ला का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया, जहां पर इसराइल की एयरफोर्स ने हमले तेज कर दिए हैं। ये तीनों जगह या देश इसराइल के बॉर्डर से लगे हुए हैं और इसराइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। यही वजह है कि इसराइल साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन और दिन के 24 घंटे युद्ध के मोड में रहता है। उसकी सेनाएं हमेशा एक्टिव रहती हैं, दुश्मनों को लेकर हमेशा चौकन्ना रहती हैं। अपने आसमान को सुरक्षित रखने के लिए अभी इसराइल के पास चार लेयर में डिफेंस सिस्टम है। पहला है आयरन डोम, जो रॉकेट और विमानों को 70 किलोमीटर के दायरे में रोक सकता है। मिड सेगमेंट में दूसरा है डेविड स्लिंग सिस्टम, जो 250 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल या विमान का दुश्मन बन जाता है। एरो टू एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी रेंज भी 250 किलोमीटर तक है, लेकिन ये डेविड स्लिंग के मुकाबले में ज्यादा ऊंचाई पर जाकर आसमानी टारगेट को मार गिरा सकता है। और चौथा है एरो 3, जो 2.5 किलोमीटर से भी आगे के टारगेट को खत्म करता है। और अब यही एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल का बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने वाली गारंटी बन चुका है। अपने चार लेयर डिफेंस के चलते ही नेतन्याहू का जोश हमेशा हाई होता है। वो अपने दुश्मनों को जवाबी अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं। गाजा में भी यही हुआ। 7 अक्टूबर को अटैक के बाद से गाजा पर इजराइल का हमला जारी है। युद्ध का अंत कब होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता जाएगा, मौत के आंकड़े भी बढ़ते जाएंगे, बर्बादी भी बढ़ती जाएगी। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो युद्ध में अब तक 19,400 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ इसराइल के 129 सैनिकों की जान चली गई है। बर्बादी और तबाही के ये आंकड़े तब हैं जब इसराइल फिलहाल एक मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। अगर हिजबुल्ला से भी आर पार की लड़ाई हुई और इसराइल को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ी, तो ये तय है कि बर्बादी और तबाही गाजा में हो रहे युद्ध से कहीं ज्यादा होगी।